बिल्कुल ही सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, सो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो। गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, पी प्रेशर एंड दिस रो इज द डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है, या आप कहें डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर। तो अब आपसे यहां पे पूछ रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप इसको यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा आर टी बाय एम, ठीक है, क्योंकि यह टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है? दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पे दिख रहा है दैट द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो दिस इज रॉन्ग। इट इंक्रीजेस विद प्रेशर, नो, एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सो दिस इज रॉन्ग। सी इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और डी में कह रहा है डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स कि वाटर वेपर्स आ जाएंगे, वाटर वेपर्स आने से जो डेंसिटी ऑफ एयर है दैट डिक्रीजेस एंड हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड डी इज रॉन्ग।